पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन का असर अब जम्मू में भी दिखने लग गया है। पंजाब से क्योंकि ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कमी आनी शुरू हो गई है। जम्मू के लगभग सारे ही पेट्रोल पंप सूखते जा रहे हैं। कई पेट्रोल पंप्स के पास डीजल कुछ देर के लिए ही बचा है और कुछ के पास सिर्फ पेट्रोल ही बचा है। हम इस वक्त खड़े हैं एशिया के सामने बत्रा पेट्रोल पंप पर, जहां पर डीजल केवल आज के दिन के लिए ही बचा है, जबकि पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रमनीक सिंह जी, इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी आ रही है पेट्रोल पंप्स पर। एक्चुअली जो क्या स्थिति है इस वक्त आपके पेट्रोल पंप पर? एक्चुअली ये जो किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब में, उस कारण ट्रेन में हमारा माल आता है वो नहीं आ रहा, उस कारण हमारे डिपोज ड्राइज हो गए और बस हमारा डीजल खत्म है, पेट्रोल है बस, ये भी शाम तक खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि दो फर्स्ट तारीख से एक भी वैगन जो है वो J&K में नहीं आई। उसका कारण ये है कि पंजाब में जितने भी फार्मर्स हैं वो आके ट्रैक पे बैठ गए हैं, उन्होंने ट्रैक बंद कर दी है। ना तो रेलवे का कोई आई है, गाड़ी आई है, तो ना ही कोई माल ढुआई वाली गाड़ियाँ पहुँची यहाँ पे। हमारी जो आपूर्ति यहाँ पे होती थी डीजल व पेट्रोल, कैरोसिन, ATF, LD वगैरह जितने भी प्रोडक्ट आते थे वो थ्रू रेलवे के ही आते थे, क्योंकि पाइपलाइन जो है हमारी बाकी रिफाइनरियों से अटैच हैं, बाकी पंप डिपो जितने भी हैं। सिर्फ J&K जो था वो अटैच नहीं था, ड्यू टू मिलिटेंसी की वजह से यहाँ पे पाइपलाइन नहीं थी। तो जलंधर तक पाइपलाइन थी और वहाँ से वैगन आती थी। आज की डेट में भी जलंधर में भर के वैगन खड़ी हैं, करनाल में भर के खड़ी हैं, लेकिन J&K में एंटर नहीं कर पाई। 8 दिन हो गए हैं यहाँ पे कोई नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ कि जितने भी हमारे डिपो हैं HPC, BPC और IOC, उनके पास तेल जो है वो लेवल नीचे आ गया है। वो जो लेवल नीचे आया वो ऑलरेडी इन्होंने आर्मी या वार के लिए या उसके लिए रिजर्व रहता है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, ना उसको हिलाते हैं। तो आने से क्या हुआ कि 3 दिन से हमारे पेट्रोल पंपों को तेल देना कंपनियों ने बंद कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि आप अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने जितने भी पेट्रोल पंप्स वाले हैं उनको कहा कि आप अपनी गाड़ियां लेके जलंधर जाओ, जिसके कारण 72 गाड़ियां कल रिपोर्ट करी, उसमें से 45 गाड़ियां भर के आई। 45 गाड़ियों कह सकते हो आपकी 10% है, क्योंकि डेली की जो लोडिंग है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल 450 के आसपास, 400 से 450 गाड़ी की एवरेज है जो लोड होके जाती हैं, चाहे वो श्रीनगर है, लेह लद्दाख है, सब जगह जाता है माल यहीं से। और आने वाले दिनों में एडवांस विंटर स्टॉकिंग जो चल रही थी हो सकती है वो भी प्रभावित हो जाए। उसका कारण यह है कि हमारा प्रोडक्ट जो है 6 महीने के लिए रास्ता बंद रहता है, उसके लिए माल जो है 6 महीने में हम वहाँ पे पहुँचाते हैं, वो भी बंद जो है बंद होने का कदार पे आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे पंपों को ये है कि आज की डेट में जो 45 गाड़ियाँ आई उनको उन्होंने क्या किया, किसी पंप को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000, इस तरह करके उन्होंने माल दिया है। अगर पैन की हो गई, मार्केट में माल नहीं आया था, मेरे को लगता कि रात के बाद किसी को तेल भी मिल पाए। उसका कारण यही है कि वहाँ से वो हट नहीं रहे और सरकार जो है हाथ पे हाथ बैठी है, चाहे वो J&K में है चाहे वो पंजाब की है, वो वहाँ से हटा नहीं रहे। मैं तो कहूँगा J&K सरकार को पंजाब स्टेट से टेकअप करना चाहिए, सेंटर को भी टेकअप करना चाहिए और रेलवे ट्रैक को खाली कराना चाहिए, ताकि माल जो है वो J&K में आ सके। अगर ये उन्होंने स्ट्राइक जो आज तक थी अगर उन्होंने एक्सटेंड करा दी तो यहाँ की पोजीशन जो है जम्मू व कश्मीर की तेल की जो है वो हद से ज़्यादा जो वर्स हो जाएगी। अभी तो सिचुएशन कह सकते हो अभी कंट्रोल में है, तेल थोड़ा बहुत मिल रहा है, अगर 1-2 दिन और स्ट्राइक बढ़ी तो किसी को तेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज तो पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है, पर अगर किसानों का संघर्ष आज शाम तक ख़त्म ना हुआ तो हालात और बदतर हो सकते हैं। अमित खजूरिया, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।